व्हाट्स अप गाइस, दिस इज प्रतीक। सो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आईफोन 10 के बारे में। आईफोन 10 जो इंडिया में आने वाला है, अभी आया नहीं है बट यूएस में लॉन्च हो गया, बट इंडिया में आने वाला है। क्या आईफोन 10 खरीदना चाहिए? सबसे पहले बात करते हैं आईफोन 10 की कॉस्टिंग की, जो कि 89,000 है 64 GB का एंड 1,02,000 रुपीज़, मतलब 1,02,000 रुपये 256 GB का, 1,02,000 रुपये का फ़ोन iPhone 10, iPhone 8, 8 Plus, जो तीन वर्जन इस बार लॉन्च हुई है, ओके? कितना बेनिफिट है iPhone 10 में? ऐसा क्या कर दिया कि लाख रुपए का दाम आ गया उसका? ऐसा क्या है उसमें कि 1,00,000 रुपये दाम है उस iPhone 10 का? एंड खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसकी फीचर्स, ऐसे क्या फीचर है जो 1,00,000 रुपये उसका दाम आ गया? 89,000 64 GB का, जो मतलब स्टार्टिंग वेरियंट है, उससे कम का नहीं है। जो मिनिमम आपको लेना पड़ेगा 89,000 का आएगा 64 GB, एंड अगर 256 GB लेना है तो उसके लिए आपको 1,02,000 रुपये खर्च करने होंगे। बात करते हैं iPhone 8 Plus की बात करते हैं, जो कि लेटेस्ट फ़ोन है दोनों, एंड दोनों का तो मुझे दोनों का बहुत एवरीथिंग लाइक सेम टू सेम है। iPhone 10 5.8 inch स्क्रीन है, जो बेजल स्क्रीन है। इसमें आपको एक प्रॉफिट क्या मिलती है iPhone 10 में, आप वन हैंड से यूज़ कर सकते हो उसको, iPhone 10 को, क्योंकि उसकी जो रेशियो होती है लाइक पूरे का पूरे स्क्रीन है एंड स्क्रीन है, एंड वो लंबा है काफ़ी, ठीक है? जैसे कि सैमसंग S8 या S8 प्लस है, आपको S8 प्लस थोड़ा सा बड़ा होता है, बट S8 जो 5.6 inch स्क्रीन उसकी, वो आपको ज़रा भी नहीं लगेगा कि इतना बड़ा फ़ोन है, ठीक है? तो iPhone 10 का भी वही सीन है, बट आप वही आकर अपने हाथ में 8 प्लस ले लेते हो तो वो काफ़ी बड़ा रहता है, वन हैंड से आप यूज़ नहीं कर सकते हो उसको, बट अगर iPhone 10 लेते हो तो आप वन हैंड से मोस्ट प्रोबेबली यूज़ कर लेते हो। तो iPhone 10 एंड iPhone 8 में क्या क्या अंतर है? लाइक iPhone 8 Plus का लगभग जो फीचर है वही iPhone 10 में है। iPhone 10 में एक न्यू फीचर इनबिल्ट किया गया है, फेस आईडी। लाइक iPhone 10 में से जो हमारा टच आईडी है वो है ही नहीं, अब टच आईडी उसमें नहीं है, उसमें कोई फिजिकल बटन नहीं है, और इसलिए उसमें फेस आईडी इंट्रोड्यूस किया गया है। एप्पल का तो कहना है कि वन फेस आईडी इतना सिक्योर है कि लाइक 1 in a million, एप्पल के इवेंट में ही बताया गया था, 1 in a million चांसेस हैं लाइक नहीं खुलने के, या फिर हैक नहीं होने के, या फिर मैच नहीं करने के, जो भी कर सकते हो आप। तो इस हिसाब से एक नया इंट्रोड्यूस है। उसके बाद जो भी आईफोन 8 प्लस का जो भी कैमरा है, जो भी उसके फीचर्स हैं, ऑलमोस्ट वही है iPhone 10 में भी। ऐसा कुछ एक्स्ट्रा फीचर मुझे नहीं लगा, बस माइनर चेंजेस हैं। लाइक iPhone 10 है तो सुपर रेटिना डिस्प्ले, iPhone 8 प्लस है तो रेटिना डिस्प्ले, iPhone 10 है तो HDR डिस्प्ले। तो आपको माइनर चेंज, आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ मैंने इतने पैसे दिए तो इतना कुछ मिल गया है। आप सैमसंग का S8 देखोगे तो लाइक 56,000 का फ़ोन है, फिर भी अगर आप iPhone 10 से एक बार कंपेयर करने बैठोगे तो आपको लगेगा कि क्या मतलब 40,000 एक्स्ट्रा मैंने दिए हैं तो क्या मिला मुझे, समझ में नहीं आएगा आपको 5 मिनट के लिए, जो ऐसा क्या मिल गया मुझे इस 40,000 में। तो बस आपको एक एप्पल का ब्रांड मिलेगा, एंड अगर आप एप्पल यूज़ करते हो तो आपको पता होगा, या फिर अगर आप एंड्रॉयड यूज़ करते हो, पहली बार एप्पल मानना चाहते हो, तो मोस्टली एप्पल बैक टू बैक वही किया जा रहा था। लाइक लास्ट टाइम iPhone 7 आया, इस बार iPhone 8 आया। iPhone 7 या iPhone 8 में बहुत माइनर फ़र्क है, जिनको नहीं पता है, मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, तो मैंने तो क्लियर कर दिया। आईफोन, अगर आपको अभी आईफोन लेना है रिसेंटली 7-8 में कन्फ्यूज है, डोंट गो फॉर 8, जस्ट बाय 7, ठीक है? हाँ, बट 10 खरीदना है तो 10 थोड़ा डिफरेंट है, इस बार लाइक नया एडिशन है, 10 साल हुए हैं एप्पल के। तो मेरा ये कहना है कि इतना महंगा फ़ोन कोई सीन नहीं बनता है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर वो 50% उसका प्राइस कट हो जाएगा, एंड उसमें ऐसा कोई फीचर नहीं है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कभी किसी फ़ोन में आया ही नहीं। फेस आईडी ऑलरेडी सैमसंग में आ चुका है, बेजल स्क्रीन तो काफ़ी फ़ोन्स में आ चुके हैं, उसके 99% फीचर्स ऐसे हैं कि सारे फ़ोन्स में है, वायरलेस चार्जिंग वगैरह सारा 100% फीचर आप बोल सकते हो सब ऑलरेडी पहले में ही है, हर फ़ोन में है। तो ऐसा नहीं है कि उसके जो उसने कुछ एक्स्ट्रा कर दिया, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इतना महंगा फ़ोन तो कोई सीन बनता है। हाँ, एप्पल का एक सोशल स्टेटस है एप्पल, तो उसके लिए लेना है तो वो अलग बात है, तो आपको पैसे हैं, आपके पास पैसे हैं तो आप पैसे लाइक इन्वेस्ट कर सकते हो, इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट, बट आप iPhone 10 खरीद सकते हो। बट मेरा ये मानना है कि खरीदने से पहले YouTube पे अच्छे से रिव्यू लेना सबकी, देखना क्या है, उसके कंपैरिजन वीडियोस देखना कि कितने अच्छे हैं नहीं है, तभी आप जाके लेना। एंड अगर आप ये करके लेने वाले हो कि लाइक सोच के सेव करके ये करके, फिर तो मत ही खरीदो,
गो फॉर आईफोन 7, सस्ते में हो जाएगा। अब मुश्किल से एक से 1.5 महीने के अंदर वो 30-35 के अंदर आ जाएगा आपको, ठीक है। एंड अच्छा खासा जब आप वापस से इसको रीसेल करोगे तो उसका आपको रीसेल वैल्यू मिल जाएगा। तो इससे बेटर है कि आईफोन 7 खरीदो अगर आप ऐसे कर रहे हो तो। वैसे अगर आपके पास पैसा है फिर तो आप खरीद सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई लेटेस्ट फ़ोन है एंड काफ़ी सारे फीचर्स हैं। तो मेरा ये कहना है कि आईफोन 8 में, आईफोन 10 में ऐसा कोई फीचर नहीं है कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं इतना महंगा फ़ोन खरीदूँ तो मेरे पास ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बिकॉज आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि टेक्नोलॉजी तो यू जस्ट बाई डे नाइट बदलती है। आईफोन 10 अभी आया, हो सकता है आईफोन 11 जो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर आया उसके लिए पहले से ही काम चल रहा होगा। ये नहीं कि आज से काम चल रहा हो, पहले से ही उसके लिए काम चल रहा है। हमें नहीं पता कि टेक्नोलॉजी क्या चेंजेस होने वाली है। एंड इनफैक्ट नेक्स्ट ईयर तो कुछ चेंजेस नहीं होगा, इससे कुछ थोड़ा अपग्रेड कर दिया जाएगा। जो 12 मेगापिक्सल है उसमें भी कुछ एपर्चर्स कम कर दिए जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी नहीं आ जाएगा कि लगेगा कि अरे हाँ कुछ तो चेंजेस है। तो टेक्नोलॉजी वही है, इसको तो सिर्फ अपग्रेड करते हैं, 2 GB RAM 3, 4, 5, 6 बस। तो इसलिए आईफोन 10 में ऐसा कुछ नहीं लग रहा है जो आपको लगेगा कि बहुत डिफरेंट है, बहुत है। सो पहले आप बाई करने से पहले फिजिकली जाके देखो, रिलायंस स्टोर या फिर एप्पल स्टोर कहीं भी जाके देखो। आप अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप खरीदो एंड उसको कंपेयर करो सब चीज़ से। या अगर सिर्फ एप्पल का लोगो हटा दे फिर क्या डिफरेंट है दूसरे फ़ोन से, वो फिर कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ एप्पल का लोगो हटाने पे। तो डेफिनेटली वो एप्पल के लोगो पे ही चल रहा है। मतलब मैं कुछ ऐसा नहीं कह रहा क्योंकि मैं खुद आईफोन 7 यूज़ कर रहा हूँ, तो वो एप्पल के लोगो पे ही चल रहा है। एप्पल एक ब्रांड है एंड वर्ल्ड की सबसे बड़ी ब्रांड है। तो इसलिए अगर आप आईफोन 10 में इंटरेस्टेड हो तो आई खरीद सकते हो। बट आप ये सोच लेना कि 1 साल के अंदर अंदर उसका प्राइस 50% कट हो जाएगा। तो आप ये अगर 1 साल 1.5 साल, वैसे भी फोन कोई भी कितने महंगे फ़ोन ले लो, 1 साल 1.5 साल 1.5 साल 2 साल तो मैक्सिमम हो गया, वो भी आज के जनरेशन का। मैं अंडर 30 की बात कर रहा हूँ, अंडर 30 के जो भी लोग हैं 1 साल 1.5 साल में तो वो बूढ़े रहते हैं, मैं खुद बूढ़ रहता हूँ। तो अगर उस बेसिस पे लिया जाए फिर तो आप मत ही लेना कि 1 साल के अंदर ही ये करना पड़ेगा। मालूम चलेगा कि अगर आपने HDFC के EMI पे लिया, क्रेडिट कार्ड पे EMI पे लिया है तो EMI चल रही है एंड फोन तो गया। सो इट्स बेटर कि अगर आपको आईफोन खरीदना है, आप कन्फ्यूज हो, गो फॉर आईफोन 7, बेस्ट फोन है, ठीक है, सस्ते में मिल जाएगा। एंड आईफोन 10 काफ़ी महंगा है बट आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है। हाँ बट खरीदने से पहले उसके अच्छे से रिव्यूज़ देख लिया करो, ठीक है। सो गाइस इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।